राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश, F5 F5 F5। क्या आप भी आपके पीसी के साथ इस तरह से कुछ करते हैं? क्या आपको पता है रिफ्रेश करने से होता क्या है और क्यों हमें ये पीसी में हमको जो है रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिलता है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा रिफ्रेश बटन का क्या काम आता है, रिफ्रेश करने से होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं RPM टेक टिप्स। और दोस्तों, जब भी आप कोई आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो चलने लग जाता है या फिर जब भी कोई प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं तो कभी ना कभी आप आपके कंप्यूटर को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं या फिर उसका शॉर्टकट F5 प्रेस कर जरूर करते होंगे। क्या आपको पता है ये क्यों करते हैं आप, ये ऑप्शन क्यों देते हैं, विंडोज में क्यों होता है, एग्जैक्टली इसकी जो वर्किंग है वो क्या है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या है, रिफ्रेश करने से होता क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिफ्रेश करने से होता क्या है, राइट क्लिक का जो ऑप्शन होता है उसमें हमको रिफ्रेश बटन क्यों दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रेश वैसे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है कंप्यूटर में कि वो थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाए या फिर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, जैसे कि किसी फोल्डर का रीनेम करना या फिर फोल्डर को अरेंज करना, फोल्डर क्रिएट करना, शॉर्टकट क्रिएट करना, ये सब करना, तो वहाँ पे क्या होता है उस पर्टिकुलर एक फोल्डर होता है उसको अरेंज करना उस फोल्डर के अंदर। कोई आपने नया फोल्डर बनाया, एक फोल्डर के अंदर नया फोल्डर बनाया, तो वहाँ पे उस जो आपने कमांड दे रखी होगी A to Z की, तो उस A to Z के अंदर उसको अरेंज करना, यानी कि कहाँ पे वो फोल्डर आएगा उस नाम के हिसाब से कहाँ पे वो फोल्डर को अरेंज करना, वो सब कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार वो वर्क नहीं करता, इसलिए हमको राइट क्लिक करके रिफ्रेश का जो ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करके जो रिफ्रेश का ऑप्शन आता है वो इसलिए आता है ताकि वो जो फोल्डर होता है, जो भी फाइल फोल्डर वगैरह आपने क्रिएट किए वो अरेंज हो जाए, या फिर उसका जो भी आप देख, अगर वो नहीं दिखता है, मान लो कई बार ऐसा होता है कि हमने वहाँ पे फाइल तो डाल दी पर वो दिख नहीं रही है, तो वो कब दिखती है, जब आप उसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देते हैं तब वो दिखने लग जाती है। तो कई बार क्या होता है, कई बार तो दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती है, तो कई बार वो जो ऑटो रिफ्रेश होता है कंप्यूटर के अंदर वो काम कर जाता है और कई बार नहीं करता है, इसलिए हमको रिफ्रेश का ऑप्शन वहाँ पे मिलता है। तो सिंपल यही एक वर्किंग होती है रिफ्रेश की, कि आपका जो फोल्डर आपने क्रिएट किया या फिर आपने कहीं से फाइल कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करी, अगर वो दिख नहीं रही या फिर वो सही से अरेंज नहीं हुई जो आपने कमांड दी हुई है वहाँ पर, वो उसको अरेंज करना रिफ्रेश के थ्रू, अगर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो वो अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सबसे बड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बड़ा या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करी आपके विंडोज़ के अंदर, तो जैसे ही वो इंस्टॉल होती है तो एंड लास्ट में उसका जो एप्लीकेशन है उसका एक शॉर्टकट क्रिएट होता है हमारे डेस्कटॉप पे, तो आपने देखा होगा उसी टाइम पे जब वो क्रिएट होता है उसके जस्ट एक मोमेंट पहले हमारा कंप्यूटर जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। आपने देखा होगा एक आइकॉन ऐसे ब्लिंक करते हैं, तो वो मतलब रिफ्रेश हो रहा है। वो क्यों होता है, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, वो जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम रहता है कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करना ताकि वो शॉर्टकट जो है वहाँ पे दिखने लग जाए, अदरवाइज वो शॉर्टकट दिखेगा नहीं। तो कई बार क्या होता है, डेवलपर वो डालना भूल जाते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन डालना भूल जाते हैं या फिर जान करके नहीं डालते, और कई बार क्या होता है हमारे सिस्टम में उसको रिफ्रेश नहीं करता है। सॉफ्टवेयर की तरफ से, डेवलपर की तरफ से तो कमांड रहती है, बट उसको जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी बिजी होता है, वो उसको रिफ्रेश करना भूल जाता है। तो आपने कोई भी नया अगर प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसका आइकॉन आपको शॉर्टकट नहीं देखने को मिलेगा, और जैसे आप रिफ्रेश करेंगे बाद में तो आपको वो जो प्रोग्राम का शॉर्टकट है वो दिखने लग जाएगा। तो मेन यही कारण होता है रिफ्रेश का ऑप्शन देने का, कि यहाँ पे आपके जो फोल्डर्स होते हैं वो अरेंज हो जाए सही ढंग से, जो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिलेक्ट किया होगा या फिर जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा अरेंजिंग के हिसाब से ऑर्डर में, उस तरह से वो अरेंज हो जाए जो भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है वो, और वहाँ पे दिखने लग जाए आपकी लिस्ट में, जो भी आपकी लिस्ट है, जो भी डेस्कटॉप पे आइटम्स हैं वो सारे दिखने लग जाए और उसके साथ जो नया इंस्टॉल हुआ है वो भी दिखने लग जाए। तो कोई भी फोल्डर में, सभी फोल्डर में सेम यही प्रोसेस होती है, आप कॉपी कर रहे हैं कहीं से दूसरे फोल्डर में तो वो फाइल है, वो प्रोग्राम है वहाँ दिखने लग जाए। कई बार आपने देखा होगा आपने बहुत सारी फाइल कॉपी करी और वहाँ पे एक दो ही दिखी और बाद में आप रिफ्रेश करते हैं तो सारी दिखने लग जाती है, यही कारण होता है कि रिफ्रेश का आपको ऑप्शन मिलता है विंडोज़ में। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है, इसका परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि आप रिफ्रेश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कंप्यूटर पहले से 2 गुना या 3 गुना फास्ट चलने लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको उसका अलग प्रोग्राम होता है, फास्ट करने के लिए आपको अलग मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, जो कि मैं ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में अप्लाई बता चुका हूँ आपको कि उनको आप फॉलो करेंगे तो आपका कंप्यूटर थोड़ा बहुत फास्ट हो सकता है, बाकी रैम के ऊपर है, जो भी आपकी रैम जितनी फ्री है उस हिसाब से आपका कंप्यूटर जो है वो चलेगा।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका कंप्यूटर तेज चलने लग जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रिफ्रेश का अलग एक मेथड होता है, रिफ्रेश का अलग एक प्रोसेस होती है, रिफ्रेश का एक अलग एक टास्क होता है जो कि वो कंप्लीट कर चुका होता है, तो ऑटोमेटिक कर चुका होता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं करता है तो फिर हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आप अगर बार बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये आपको यही बोलूँगा, क्योंकि अगर आपने जब तक कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया या फिर ऐसी कुछ फाइल है जो दिख नहीं रही है आपको, तब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके लिए सही होगा। अदरवाइज आप ये सोच के रिफ्रेश कर रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी वो फास्ट नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट ही होगा वहाँ पे और कुछ नहीं होगा। तो बस यही होता है रिफ्रेश करने का यहाँ पे मतलब विंडोज में। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टेक्नीशियंस होते हैं, आप कहीं कंप्यूटर रिपेयर कराने गए हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा वो भी रिफ्रेश करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? उनको तो हालांकि पता होगा ना, फिर वो क्यों करते हैं? आपका क्वेश्चन ये होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, या फिर आपने कहीं पे टीम वर्क पे हेल्प ली किसी फ्रेंड की, या फिर आपने एक टेक्नीशियन की हेल्प ली, टेक सपोर्ट लिया कहीं बड़ी कंपनी का, तो वो भी कई बार रिफ्रेश करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वो उस टाइम में वो सोच लेते हैं कि हाँ इसके आगे क्या प्रोसेस होगी, या फिर इसके आगे मैं क्या करूँ ताकि इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आपने अगर कोई बड़ी कंपनी का टेक सपोर्ट लिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर इस तरह का कुछ कंपनी है, उनका अगर आपने सपोर्ट लिया है तो आपने देखा होगा वो वहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। वो मतलब एजुकेटेड से मेरा मतलब उनको टेक के बारे में पता होता है। ठीक है, तो वो इतना रिफ्रेश नहीं करेंगे आपके सिस्टम को। आपने देखा होगा वो जो उनका काम होता है वो सिर्फ उनका काम करते हैं, वो खत्म करते हैं, रिफ्रेश एक बार भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है रिफ्रेश करने से होगा कुछ नहीं। अगर वो रिफ्रेश कब करते हैं? जब उन्होंने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया हो नया, या फिर कोई फाइल शो नहीं हो रही हो, या फिर उन्होंने कोई एक ऐसी फाइल वहाँ पे रीनेम की हो, या फिर उन्होंने कोई ऐसी फाइल को क्रिएट किया हो जो शो नहीं हो रही हो उस पर्टिकुलर फोल्डर में या फिर डेस्कटॉप में, तो वो रिफ्रेश करते हैं, अदरवाइज वो रिफ्रेश नहीं करते। रिफ्रेश करने से टाइम वेस्ट होता है अगर आप बिना किसी कारण के रिफ्रेश कर रहे हैं। तो जो टेक्नीशियन होते हैं जो रिफ्रेश करते हैं बिना बात के, वो सिर्फ उनको टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा, ताकि वो उस टाइम में सोच सकें आगे कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, आगे क्या करूं मैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। तो बस यही कारण होता है उनका रिफ्रेश करने का। तो बस यही एक कारण है कि हम हमारे कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारा जो फोल्डर्स जो फाइल्स वगैरह हैं वो शो होने लग जाए। अगर शो नहीं हो रही हो उस फोल्डर में है, आपको पता है कि वो उस फोल्डर में है बट वो शो नहीं हो रही है, तो उससे रिफ्रेश करने से वो शो हो जाएगी अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो, या फिर वो अरेंज नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर इस तरह की कुछ है। तो एक यहाँ पे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि एक इसका आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई भी डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट किया और डेस्कटॉप पे आपने ए से जेड तक का आपने ऑर्डर दे रखा है कि ए से जेड तक हमारा जो डेस्कटॉप है वो रहे अरेंज में रहे, और आपने जब क्रिएट किया नया सी वाला एक प्रोग्राम कोई भी हम क्रिएट कर लेते हैं, तो सी वाला आपने किया तो वो सबसे लास्ट में जाएगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं रहेगा, सबसे लास्ट में लिस्ट के जेड के भी बाद वो आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? अब वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑटो जो रिफ्रेश होता है वो वहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सी जो बी के बाद सी आता है तो सी के वहाँ पर वो जाके फिक्स हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ पर चले जाएगा, तो अरेंज हो जाएगा एक तरह से मैं बात करूँ तो। तो ये यहाँ पर रिफ्रेश काम आता है। तब अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है आपने सही तरह से रिफ्रेश किया, रिफ्रेश का सही तरीके से यूज़ किया, तो ये यहाँ पे रिफ्रेश की पूरी प्रोसेस होती है। तो बस दोस्तों यही है रिफ्रेश का पूरा फंडा कि रिफ्रेश किस तरह से काम करता है, रिफ्रेश बटन क्यों होता है हमारे विंडोज़ में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पर। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक आपको जरूर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लास्ट के वीडियोज़ के लिंक यहाँ पे आ रही है उनके जरा लास्ट की वीडियो देख सकते हैं। अब के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।